Hi guys, this is me Vanna. Welcome and welcome back to my channel, The Glam Mom House Truffle. So guys, if you're watching me first time, please take a moment to subscribe my channel first. And don't forget to hit the notification bell button also. So guys, in today's video, I'm going to talk about some different product. Like, मैं आपके साथ skin care, hair care, body care के बारे में बात कर चुकी हूँ. But आज मैं आपके साथ कुछ different बात करने वाली हूँ. And जो कि बहुत ज़्यादा important भी होता है. So आज मैं आपके साथ बात करूँगी पैरों के बारे में. That is foot cream के बारे में आज आपके साथ बात करने वाली हूँ. Actually guys, हम लोग skin care करते हैं, हेयर केयर करते हैं, बट समटाइम हम भूल जाते हैं कि हम अपने पैरों का भी ख्याल रखना पड़ता है. हम सारा दिन सिर्फ अपने पैरों में ही खड़े रहते हैं, एंड पैरों पे अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो फिर क्या करा, ठीक है. सो बहुत सारे लोग ऐसे जिनको पैरों की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी एरिया फट जाती है और उंगलियों के बीच फंगस लगने शुरू हो जाते हैं. क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग दिन भर हम अगर जॉब में जा रहे हैं तो कुछ लोग शूज पहन के जाते हैं, तो पैर खराब तो हो ही जाते हैं. तो आज मैं आपके साथ एक फुट क्रीम की बात करूंगी जो कि इन सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है. सो गाइज, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ मोर वेलनेस की फुट क्रीम के बारे में. एंड दिस फुट क्रीम इज अ सोल्यूशन फॉर ऑल द फुट प्रॉब्लम्स, ठीक है. सो क्या होता है, बेसिकली हमें जो दिन भर अपने शूज पहन के रखते हैं, सॉक्स पहन के रखते हैं, तो पैरों में स्वेटिंग के कारण, हवा ना लगने के कारण हमारे जो बॉडी है उसमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, एंड स्किन धीरे धीरे करके ड्राई होना शुरू हो जाती है. तो ये वाली क्रीम मेन एंड वुमेन दोनों के लिए ही है. आप दोनों इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको इन चीजों की प्रॉब्लम होती है, राइट. तो सबसे पहली बात क्या है कि जो हमारी स्किन होती है वो हमारे चेहरे एंड फुट की स्किन बहुत ज्यादा चेंज होती है. फुट जो चेहरे की स्किन होती है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, एंड फुट की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा थोड़ी बहुत हार्ड होती है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम बात करें कि आपको किस टाइप की फुट क्रीम लगानी चाहिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है उसका टेक्स्चर जो होना चाहिए थोड़ा थिक होना चाहिए. बिकॉज जब हम स्किन की बात करते हैं तो टेक्स्चर हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा लाइट हो ताकि स्किन में इजिली एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि हमारी स्किन, फेस की स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, बट पैरों की स्किन थोड़ा सा हार्ड होती है. तो उसके लिए एक थिक क्रीम चाहिए होती है जो कि आपकी जो गैप होते हैं, जैसे एरिया फट जाती है उन गैप को भरने के लिए, एंड जो फंगस लग जाते हैं उनको हटाने के लिए आपको ऐसी क्रीम की जरूरत रहती है. तो मोड वेलनेस की क्रीम उसी फॉर्मूले की है ये. इसका फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा अच्छा है एंड थिक फॉर्मूला है. मैं आपको दिखा देती हूँ, तो कुछ इस टाइप का आपको इसका फॉर्मूला मिलेगा. सो दिस क्रीम इज रियली रियली गुड गाइस, बिकॉज ये बनी है नेचुरल इंग्रेडिएंट से. इसमें कोई भी पैराबिन नहीं है, कोई भी टॉक्सिक केमिकल्स नहीं है, जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है. एंड सबसे बड़ी बात है कि जब हमारी स्किन फटना शुरू हो जाती है तो उसके बाद बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं. लोग हमेशा कुछ मैनिक्योर पेडिक्योर भी करा लेते हैं, बट समटाइम्स सिर्फ नहाते धोते हैं एंड पैरों में स्क्रब भी नहीं करते ढंग से. तो आप अगर आप नहीं करते तो वो आदत आप छोड़ दीजिए, बिकॉज अपने पैरों का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एज जस्ट कि अपने स्किन और बालों का ख्याल रखना है, ठीक है. गाइस, एक आइडियल वे है अपने फुट की का ध्यान रखना, अपने फुट क्रीम्स को कैसे आप यूज कर सकते हैं. लाइक, आप नहाने गए, उसके बाद जो हमारी स्किन होती है वो पानी के कारण थोड़ी सी नम हो जाती है एंड थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है. उसके बाद आप फुट क्रीम लगा सकते हैं, बट आपको फुट केयर स्टेप्स भी फॉलो करने पड़ेंगे. लाइक, पहले सबसे पहले फुट क्रीम भी तभी काम करेगी जब आप अपने जो पैरों के ऑलरेडी डेड सेल है पहले उसको हटाएंगे. तो उसके लिए आपको एक स्क्रबर की जरूरत होगी. स्क्रब से आप अच्छे से पहले एड़ियों को स्क्रब कर लीजिए, उसके बाद उसको टॉवल ड्राई करने के बाद आप ये क्रीम लगा सकते हैं. क्रीम लगाने के बाद आप कोई भी कॉटन सॉक्स पहन सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आप वो क्रीम लगाने के बाद उसको रेस्ट देना है. लाइक, आप रात में ये चीज कर सकते हैं, जितना आप उसको रेस्ट देंगे उतनी ही अच्छे से वो हील होगी, उतनी जल्दी स्मूथ होगी एंड बहुत अच्छे से वर्क करेगी, राइट. अगर आपने क्रीम लगाने के बाद चलना शुरू कर दिया तो फिर ये क्रीम आपके काम नहीं करेगी. सो फुट स्टेप जितने भी हैं, फुट केयर स्टेप, वो आपको इसके साथ फॉलो करने पड़ेंगे, तभी ये क्रीम आपके लिए फायदेमंद रहेगी. एंड ये क्रीम आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखेगी. अगर स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, सुपर सुपर ड्राई है, उसके बावजूद ही वो फटना शुरू हो जाती है, अगर उसके अंदर मॉइस्चर ही नहीं है, तो ये क्रीम मॉइस्चर भी प्रोवाइड कराएगी आपके इस एड़ियों के लिए, ठीक है. तो दिस फुट क्रीम इट्स रियली रियली गुड फॉर ड्राई, क्रैक्ड एंड थिक फीट और हील्स के लिए. सो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ग्रेप सीड ऑयल, ब्राजील नट, ग्रिसलीन, जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगी एंड मॉइस्चराइज रखेगी. इसके अंदर विटामिन ई भी है जो कि स्किन को काफी ज्यादा गुड बनाएगी, ठीक है. सो ये आपको रिलीफ कराएगी. अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम है तो उससे भी रिलीफ देगी, डिस्कम्फर्ट एंड अनप्लीजेंट ऑडर से, तो पैरों से जिसके बहुत ज्यादा स्मेल्स भी आती है उससे भी आपको रिलीफ मिलेगी. तो आपको ये पूरे पैरों में आप इसको यूज कर सकते हैं. इट्स ऑल सेफ है, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री एंड टॉक्सिक फ्री है. सो इट्स सुटेबल फॉर ऑल द स्किन टाइप एंड मेन एंड वुमेन, आप इसको कोई भी यूज कर सकता है अगर आपको इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है. सो इसकी कॉस्ट रहेगी 400 रुपीज एंड
इसकी प्रोडक्ट लाइफ है 3 ईयर्स की एंड दिस इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप एंड ये आपको 100 ml टब में मिलेगी. सो दिस क्रीम इट्स रियली गुड. सो गाइस इफ यू वांट कि आपके पैर सुंदर हो, चमकदार हो एंड हाइड्रेटेड रहें, फंगल फ्री हो तो बहुत अच्छा है, तो आप ये वाली क्रीम यूज कर सकते हैं. बट मेक श्योर आपको फुट केयर स्टेप भी फॉलो करने पड़ेंगे. डेड सेल्स निकालेंगे तभी जाके क्रीम असर करेगी. सो दिस क्रीम इट्स हाईली रिकमेंडेड. मेक श्योर यूज दिस क्रीम डेली. आप नहाने की जैसे आप नहाते बात लेते हैं उसके बाद आपको डेली ये क्रीम यूज करनी है ताकि आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिल सके. ठीक है. सो गाइज आई होप आपको ये वाली क्रीम का रिव्यू काफी ज्यादा अच्छा लगा हो. सो डू मेंटेन. सो सो गाइज आई होप आपको इस क्रीम का रिव्यू अच्छा लगा हो. इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बाइंग लिंक आपको मिल जाएंगे. जस्ट गो क्लिक द लिंक एंड